Hello, good morning children. Today we'll study class 8 civics, chapter 2, understanding secularism. Part 1, part 2 में हमने देख लिया what is secularism, देखा हमने why it is important to separate religions from state, ये भी हमने पढ़ा. अब हम देखेंगे what is Indian secularism, ये हम पढ़ने वाले हैं. What is Indian secularism? India is a secular country. और इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. हियर ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली. इंडिया सेकुलर कंट्री है और यहाँ पे सारे धर्मों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है. ठीक है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. टू बी सेकुलर स्टेट फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर. ओके, कोई भी देश जो है वो अपने आप को यदि सेकुलर कहता है तो उसको कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मान्य होंगे, है ना, कुछ ऐसे फुलफिल करने होंगे कि यहाँ तभी हम कहेंगे कि वो एक सेकुलर कंट्री है. तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, दैट वन रिलीजन्स कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर. एक रिलीजन कम्युनिटी दूसरे रिलीजन कम्युनिटी को क्या नहीं करेगी, डोमिनेट नहीं करेगी. जैसे अमेरिका में आप कह लीजिए कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं तो वो वहाँ के हिंदू और मुस्लिम को डोमिनेट नहीं करेंगे. ओके, सेकंड पॉइंट, एंड सम मेंबर्स और डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. देखिए, आप फर्स्ट वाला पॉइंट ये कहता है कि दूसरे एक रिलीजन कम्युनिटी दूसरे रिलीजन कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगा, लेकिन वहीं पे सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि एक ही, जैसे कि एक ही रिलीजियस कम्युनिटी है वहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को डोमिनेट ना करें, वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो अपने आप को एक दूसरे को डोमिनेट ना करें एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के. अब जैसे कि हम हमारे इंडिया में देखिए, जैसे हिंदू है, हिंदुज़म में हम देखते हैं कि हिंदू में क्या है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, तो जो ये अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट को डोमिनेट ना करें, ये हमको देखना है, तभी हम सेकुलर होंगे. ओके, तो ये जो डोमिनेंस है एक ही कम्युनिटी में जो मेंबर्स है वो आपस में एक दूसरे को डोमिनेट ना करें. ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट वही कह रहा है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. ओके, सेम रिलीजियस कम्युनिटी के भी मेंबर्स आपस में एक दूसरे को डोमिनेट ना करें. थर्ड पॉइंट, that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individual. जो state है वो किसी को enforce मतलब किसी के ऊपर कुछ भी थोपेगा नहीं कि तुमको यही धर्म को अपनाना है, तुमको ये करना है, किसी पे कुछ भी थोपेगा नहीं. enforce any particular religion, कोई भी धर्म किसी के ऊपर थोपेगा नहीं, enforce नहीं करेगा. और नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम, और किसी के धर्म को कि उनके धर्म में वो इस तरीके से दूसरे टीका लगाना चाहते हैं, इस अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए वो किस तरीके के कपड़ा पहनना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों से वो उनको रोकेगा नहीं. स्टेट क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, स्टेट यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा. ठीक है, तो तीन ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, क्या क्या है, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, that some members do not dominate other members of the same religious community, that the state does not enforce any particular religion or take away any religious freedom of individual. Clear? ये तीन point है. अब जब ये तीन point आते हैं उसके बाद the Indian state works, ये भी एक point है, देखिएगा अब इसकी strategies भी कुछ होंगे. The Indian state works in various way to prevent the effect of domination. ये जो किस तरीके से, अब ये तो objectives को fulfill करना है, तो India जो है वो किस तरीके से इसको achieve करती है, है ना, हमारा secular country है तो हम किस तरीके से achieve करते हैं इसको objectives को. Various prevent domination. First, सबसे पहला क्या strategy अपनाते हैं, तो ये आपको एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डस इंडियन कॉन्स्टिट्यूट टू प्रिवेंट डोमिनेशन ऑफ स्टेट्स, किस तरीके से उसको प्रिवेंट करता है, तो क्या स्ट्रेटजीज अपनाता है, ये आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया है. फर्स्ट है स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग
स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन. फर्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिए, स्टेट स्ट्रेटजी क्या है उसका, ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. सेकेंड स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. और थर्ड है स्ट्रेटजी ऑफ इंटरफेरेंस. ठीक है, अब फर्स्ट स्ट्रेटजी को हम कैसे फुलफिल करते हैं, मीन्स डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, दूसरे धर्मों से अपने आप को अलग रखना. कौन, स्टेट अपने दूसरे धर्मों से अपने आप को, सभी धर्मों से क्या, अलग रखते हैं वो अपना काम. तो इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय द रिलीजियस ग्रुप और नॉट डज सपोर्ट एनीवन. इंडिया जो है वहाँ पे वो किसी रिलीजियस ग्रुप को फॉलो नहीं करता है और ना ही कोई एक पर्टिकुलर धर्म कोई यहाँ पर रिलीजियस ग्रुप कोई कंट्रोल नहीं करता है. हमारे यहाँ अलग अलग धर्मों की पार्टी है क्या, नहीं ना, पार्टी सब अलग अलग है. कोई किसी और जो स्टेट है वो किसी एक धर्म को भी सपोर्ट नहीं करता है, उसको नहीं मानता है. ठीक है, और क्या होता है, इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन. देखिए जैसे कि हमारे इंडिया में क्या है, डिस्टेंसिंग फ्रॉम रिलीजन, ये फर्स्ट पॉइंट जो स्ट्रेटजी है उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिस्टेंसिंग फ्रॉम रिलीजन. तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंसिंग फ्रॉम रिलीजन्स के लिए क्या बता रहा है कि हम जो इंडिया है वह, देखिए चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, पुलिस स्टेशन हो, आपके कोर्ट हो और कोई ऑफिस हो, वहाँ पे कभी भी कोई भी रिलीजियस चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है. देखो वहाँ पे किसी धर्म को, एक धर्म को मानने के लिए कुछ लगाया रहता नहीं. वहाँ देखिएगा आपकी जो नेशनलिस्ट लीडर्स होते हैं वो तो हर धर्म के हैं ना, तो उनकी पिक्चर्स, उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह वो वहाँ डिस्प्ले करते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर धर्म की. क्लियर, तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी अपना के डिस्टेंसिंग इट्सेल्फ फ्रॉम रिलीजियंस, इस तरीके से उन्होंने क्या, उनकी फर्स्ट स्ट्रेटजी थी. ओके, और सेकंड स्ट्रेटजी में क्या है कि ये फर्स्ट स्ट्रेटजी को समझने के लिए आपके पास ये देखिए एक आपकी बुक में एक कहानी दी हुई है. जैसे ये गवर्नमेंट हाई स्कूल की कहानी है. इस कहानी में देखिए कि सॉरी, इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन अ सीमापुर स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट. इस स्कूल में बच्चे हैं वो एक रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं. आपको मेंशन नहीं किया कि कौन सा फेस्टिवल है, वो बच्चे सेलिब्रेट करना चाहते हैं. तो वो सर के पास जाते हैं, सर देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, बहुत बड़ा नेशनल रिलीजियस फेस्टिवल आ रहा है, तो वो हम इसको स्कूल में सेलिब्रेट करना चाहते हैं. तो सर कहते हैं, ये देखिए इस पॉइंट पे सर कहते हैं, तो यहाँ पे सर कह रहे हैं कि नो, सर क्या कह रहे हैं कि नहीं, इसको यहाँ पर बोल रहे हैं सर, आई एम अफ्रेड दैट is not possible, Rekha. This is a government school. We cannot give importance to any one religion. Private school may do that. Government schools don't celebrate any religious festival in the school premises. Most religious festivals are public holidays. So that we can celebrate this at home. वो कहते हैं कि नहीं, हमारा government school है और हम किसी भी एक धर्म को लेकर किसी भी एक धर्म का religious festival नहीं मना सकते हैं, है ना. तो या और उस दिन तो क्या है, छुट्टियां होती है तो सब कोई अपने घर में सेलिब्रेट कर सकते हैं. बिल्कुल सही है. तो फिर अब वो कहती है लड़की, आई नेवर थॉट ऑफ दिस वे, आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट आउट. फिर बोलते कि स्कूल से बाहर ही सेलिब्रेट करना चाहिए. ऑलवेज वी वेयर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इन आवर लोकेलिटी. तो इसको लोग अपनी लोकेलिटी में ही सेलिब्रेट करने के प्लान करते हैं. फिर तो सर ने बिल्कुल उनको साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि यदि इफ द स्कूल सेलिब्रेट्स अ रिलीजियस फेस्टिवल देन इट कुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजियस इक्वली. यदि मान लो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में ये एक धर्म के लिए कोई फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट कर लेते, तो ये तो जो गवर्नमेंट कहता है कि हम डिस्टेंसिंग अपना रखते हैं, उनकी स्ट्रेटजी है ना कि वो डिस्टेंसिंग रखते हैं अपने सभी अलग धर्मों से, वो डिस्टेंसिंग फ्रॉम द रिलीजन. तो लेकिन यदि वो किसी एक धर्म को करने लगेगा, सेलिब्रेट करने लगेगा,
तो ये वायोलेशन हो जाएगा, उन्होंने खुद उल्लंघन कर दिया सा रहेगा, तो इसलिए वो नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि अरे एक नहीं कर सकते तो सभी धर्मों का मना लेना चाहिए, अरे सब धर्मों का मनाएंगे तो कहेगा नहीं नहीं आपने दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट की थी, आपने तो क्रिसमस अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया। फिर उन लोग कहेंगे अरे यार आपका तो क्रिसमस ऐसे सेलिब्रेट किया था तो आपने ईद को ऐसे सेलिब्रेट किया। तो देखो ये चीज़ें इसलिए नहीं करते हैं, ओके, तो इसलिए स्कूलों में ये सब नहीं किया जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा, स्ट्रेटेजी ऑफ ऑफ डिस्टेंसिंग फ्रॉम रिलीजन। यदि मान लीजिए आपसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, वॉट आर द वेरियस स्ट्रेटेजी ऑफ विच इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट टू प्रमोट और टू अचीव अ सेकुलर ऑब्जेक्टिव। सेकुलर ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए उनके क्या क्या स्ट्रेटजीज थी, तो तीन आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, उसमें से उनको उसको पाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी थी। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी मैंने समझा दिया आपको, डिस्टेंसिंग फ्रॉम द रिलीजन, ठीक है। और सेकंड है स्ट्रेटजी ऑफ इंटरफेरेंस, स्ट्रेटजी ऑफ क्या था, इंटरफेरेंस, ये था। अब देखिए ये तो हो गया कि किस तरीके से अपने आप को डिस्टेंस रखता है, अब उसमें इंटरफेरेंस कैसे, इन द अदर नॉन इंटरफेरेंस आपने क्या पढ़ा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती होता है, सेकंड वाला देखिएगा मैंने क्या कहा, फर्स्ट बोला स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, और सेकंड स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस मतलब दखल अंदाजी नहीं करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस, ओके, किसी भी मतलब एक धर्म को अच्छा दिखाना, दूसरे धर्म को नीचा करना, और धर्म के हिसाब से कोई टीका लगा रहा है, कोई किसी हिसाब से कपड़ा पहन रहा है, तो ये इस चीज़ के लिए इंटरफेरेंस नहीं करेंगे कि नहीं आपको इस धर्म में ऐसा नहीं करना है, आपको इस धर्म में ऐसा नहीं करना है। तो जो स्टेट है वो किसी को भी नॉन इंटरफेरेंस स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई अपनी नॉन इंटरफेरेंस की, कि वो किसी को भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। और इन ऑर्डर, अब देखिए द सेकंड वे इन विच द इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। दिस मींस दैट इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटीमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजियस एंड द स्टेट यूजली नॉट इंटरफेयर द एनी रिलीजियस प्रैक्टिस। जो स्टेट है किसी भी रिलीजियस के सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करने के लिए, किसी भी मतलब जो उनके सेंटीमेंट्स हैं उसको रेस्पेक्ट करने के लिए, उनको हर्ट नहीं करने के लिए, वो क्या है कि किसी भी नॉट इंटरफेयर द रिलीजियस प्रैक्टिस, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है। The state makes certain exception for the particular religions communities. अब यहाँ पे कुछ exception भी दिए हुए हैं, तो एक कहानी और आपकी बुक में दी हुई है किस तरीके से exception है, देखिए ये है एक group of friends who were recently bought a scooter. कुछ friends हैं जो एक scooter लेकर आया और वो कह रहे हैं कि चलो आज ride पे चलते हैं, तो एक friend है वो कहता है I hope helmet. You have a helmet. You know that the law in Delhi required. दिल्ली में क्या है कि हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फाइन लगता है. Why aren't you wearing a helmet? Do you want to be a fine? अब परमजीत, यहाँ एक देखिए एक सिख है ये परमजीत, और ये कह रहा है, ये उसका फ्रेंड उसे कह रहा है कि तुमने हेलमेट लिया कि तुम क्या चाहते हो कि तुम लोगों को फाइन हो. Don't worry, I will not be fine. वो कहता है कि तुम चिंता मत करो मुझे फाइन नहीं लगेगा. हे परमजीत, वाई वोंट यू बी फाइन, तुमको फाइन क्यों नहीं लगेगा, वो पूछता है. तो वो क्या कहता रहता है, फॉर सिख वेयरिंग अ पगड़ी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वेयर अ हेलमेट. अब उनके धर्म के लिए क्या है कि सिख धर्म में क्या है, उनका जो पगड़ी है, वो जो टर्बन है, वो उनको पहनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनको कोई भी फाइन नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो इतना बड़ा हेलमेट नहीं पहनेंगे ना वो, तो इसलिए उनको कहना है कि उनको कोई भी फाइन नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके जो धर्म है उसके अनुसार से उनको पगड़ी या टर्बन पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, उनका रिलीजियस प्रैक्टिस है वो. तो दिस इज़ बिकॉज द इंडियन स्टेट
recognize the wearing of pagri, turban, is a central to the Sikh religious practice, and in order to not interfere with this, allows the exceptions in the law. तो यहाँ नॉट इंटरफेरेंस है ना, यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर रहा, कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं किसी जिस धर्म में जो प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, तो वो उनके लिए एक्सेप्शंस में दिया गया है। यदि अब तुम कहोगे क्या कैन आई डू एवरीथिंग इन द नेम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस एंड द गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर, अब ये तो तुमने देखा कि इनको प्रैक्टिस, अब तुम सोचोगे कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पर, मैं कुछ भी कर लेता हूँ, तो क्या मुझे सरकार क्या है सजा नहीं देगी, ऐसा सोच सकते हो तुम? तो अब जैसे कि आप, अब तुम बोलोगे कि नहीं मुझे धर्म के नाम पे तो ये बलि देनी है, ह्यूमन सेक्रीफाइस करवाना, बलि देनी है ह्यूमन की, तभी कुछ ऐसा रिलीजियस प्रैक्टिस है तुम लोगों का, ये नहीं तो हमारा तो रिलीजियस प्रैक्टिस ऐसा नहीं है, क्योंकि सेक्रीफाइजिंग ह्यूमन बींग्स इज अ यहाँ पे नेम ऑफ रिलीजियस, मान लो एग्जाम्पल है सेक्रीफाइजिंग ह्यूमन बींग इन द नेम ऑफ रिलीजियस, तो क्या इसके लिए सरकार आपको इजाज़त दे देगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप धर्म के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, इंटरवेनेंस भी करती है। यहाँ पे देखिए, हम एक तो नॉट इंटरफेरेंस भी है उनका कि वो इंटरफेयर नहीं करती है, लेकिन धर्म के नाम पे कोई गलत काम ना करे इसके लिए सरकार क्या है, उनकी थर्ड स्ट्रेटजी जो है वो है स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेनेंस, वो भी वो करती है, स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेनेंस, है ना। अच्छा, वो अभी बंद हो जा, तो स्ट्रेटजी ऑफ, हमने देखा कि किस तरीके से कुछ स्टेट्स मेक द सर्टन एक्सेप्शन फॉर द पर्टिकुलर रिलीजियस कमिटीज, तो सिख लोगों को हेलमेट पहनना ज़रूरी नहीं है। तो हमने देखा कि किस तरीके से नॉन इंटरफेरेंस इस किसका स्टेट अपनाती नॉन इंटरफेरेंस, और लेकिन यदि हम कहें कि हम रिलीजियस ग्राउंड पे कुछ भी हम कर सकते हैं, सेक्रीफाइस ऑफ ह्यूमन बींग इन द नेम ऑफ रिलीजियस, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो इसके लिए क्या है, जो गवर्नमेंट है वो क्या है, इंटरवीनेंस भी करती है। अब देखिए, ये यहाँ पे हम दो कहानी हमने पढ़ी, द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल द रिलीजियस इक्वली। गवर्नमेंट स्कूल्स कैनॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आईदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू द रिलीजियस सेलिब्रेशन, गवर्नमेंट स्कूल जो है वो किसी भी धर्म को, एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, क्लियर। और उसी वही परमजीत के उस केस में क्या हुआ, द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट, इनको हेलमेट पहनना नहीं है। इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज दैट द वियरिंग ऑफ पगड़ी टर्बन इन द सेंटर एट द सिख रिलीजन प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर टू नॉट टू इंटरफेरेंस विद दिस अलाउ द एक्सेप्शंस इन देयर लॉ, उनको इंटरफेरेंस नहीं करना है उनके लॉ को, इसलिए एक्सेप्शन है यहाँ। अब हमने देखा कि इसके साथ साथ यदि हम बोलें कि कुछ गलत हो रहा है कहीं पर, तो सरकार इंटरवीनेंस भी करती है, मतलब इंटरफेयर भी, इंटरवीनेंस करती किस तरीके से, जैसे हम बोलें कि अपर कास्ट है, कुछ लोग हैं, दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल वेयर द मेंबर्स ऑफ द, जैसे अपर कास्ट के लोग हैं हिंदूज में, डोमिनेट द अदर मेंबर्स ऑफ द लोअर कास्ट, अपने ही कास्ट के जो लोअर कास्ट के पीपल हैं उनको डोमिनेट करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैंस अनटचेबिलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसलिए क्या किया है ताकि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेट ना कर सकें, इसलिए क्या है, क्या बनाया है उन्होंने, बैन कर दिया, किसको बैन कर दिया, अनटचेबिलिटी को उन्होंने क्या किया, बैन कर दिया, क्लियर। इन द इंस्टेंस स्टेट इज इंटरवीनिंग, अब यहाँ पे देखिए सरकार जिस तरीके से और क्या किया, ट्रिपल तलाक को भी क्या किया, बैन कर दिया गया है ना, क्यों, क्योंकि धर्म के नाम पे लोग को डिस्क्रिमिनेट ना करें, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब आपने देखा इंटरवीनेंस ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, अब देखिए यहाँ पर तो हमने देखा कि इंटरवीनेंस करती है कि ताकि जैसे कोई गलत काम ना हो, लॉ एंड ऑर्डर को
फॉलो नहीं हो रहा है, कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसके लिए क्या करती है, वो इंटरवेनेंस भी करती है और कहीं पर ये सपोर्ट करने के लिए भी इंटरवेनेंस करती। कैसे? तो जो स्टेट स्टेट है किस तरीके से मदद करती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू द रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो रिलीजियस कम्युनिटी जो माइनॉरिटीज में है उनको क्या है, ये राइट देती है, ग्रांट देती है, पैसे देती है कि वो अपना अपना रिलीजियस कम्युनिटी को कि वो अपना खुद का स्कूल या कॉलेज भी सेटअप कर सकते हैं करके। ओके, तो ये एक इंटरवीनेंस ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरवीनेंस तो है, लेकिन ये एक सपोर्ट की सपोर्ट के फॉर्म में, मदद के फॉर्म में। ओके, और अनटचेबिलिटी को रोकना, बैन लगाना, ट्रिपल तलाक को रोकना, ये भी इंटरवीनेंस है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। ओके, तो इस तरीके से वो इंटरवीनेंस भी कर दिए। पॉइंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इंटरवीनिंग इन द रिलीजन इन ऑर्डर टू फाइंड द सोशल प्रैक्टिस, यही है आपने बताया मैंने। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू द रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। क्लियर? फाइनेंशियल एड भी देता हमको। अब इसी बेस यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्या है, तो हमने देखा इंडियन सेकुलरिज्म, अब हम इसको कंपेयर करते हैं यूएस के सेकुलरिज्म से। इन व्हाट वे द इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री से किस तरीके से अलग है। ओके, ये हम देखेंगे इसमें। सम सेकुलर कंट्री क्या होता है, सम सेकुलर ऑब्जेक्टिव्स आर ग्लोबली एक्सेप्टेड येट दे आर डिफरेंस इन दिस प्रैक्टिस। जो ये जो सेकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, सब कोई जितने भी आपके सेकुलर स्टेट्स हैं, सेकुलर कंट्रीज हैं, वो सबको इसको मानते हैं। ओके, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, लेकिन हाँ हो सकता है कि इसकी जो प्रैक्टिस है उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। क्लियर? इसको हम इस तरीके से कहानियाँ देखते हैं। यूएस का है, जब वहाँ पे यूएस में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्या होता है, संशोधन। संशोधन मींस जब कुछ चेंजेस आते हैं किसी चीज़ में, दैट इज़ अमेंडमेंट, है ना, कुछ रूल्स बने हैं उसमें जब न्यू चेंजेस आता है तो उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। द फर्स्ट अमेंडमेंट यूएस, किस तरीके से हम वहाँ का सेकुलरिज्म और इंडिया का, इसको दोनों को कंपेयर करने वाले, ठीक है। फर्स्ट हुआ तो वहाँ पे यूएस प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग द लॉज एक्सपेक्टिंग ऑफ, वहाँ पे मेक्स द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन। उन्होंने जो किया यूएस में, उन्होंने स्ट्रिक्ट सेपरेशन कर दिया किसके किसके बीच में, स्टेट और रिलीजन के बीच में। मीन्स दैट द नीदर द स्टेट और नॉट द रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर ऑफ वन अनदर, ना ही स्टेट किसी रिलीजन मैटर पे और ना ही रिलीजन किसी स्टेट मैटर पे एक दूसरे को इंटरफेयर करेंगे। बिल्कुल स्ट्रिक्टली अलग था, डिफरेंट मतलब स्ट्रिक्टली था उसमें आपकी सेपरेशन था। और लेकिन वही चीज़ हम एज इंटरफेरेंस में इंडिया में देखते हैं, देयर इज़ अ नो रिस्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट एज इट इज़ इन यूएसए। जितना स्ट्रिक्ट वहाँ है ऐसा वहाँ यहाँ नहीं है। स्टेट कैन इंटरवेंस इन रिलीजियस अफेयर्स, हमारे यहाँ क्या करता है स्टेट, यदि कुछ गलत हो रहा है तो, या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, कुछ गलत हो रहा है रिलीजियस के नाम पे, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, इंटरवेंस भी करती है। कौन करता है, स्टेट करती है, जैसे बैनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, ट्रिपल तलाक को इन्होंने बैन किया, है ना, और जबकि वहाँ पे क्या है कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली सेपरेशन है, एकदम बिल्कुल कोई किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं कर पाता है। द इंटरफेयर इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑन आइडियल ग्राउंड्स। लेकिन जो भी रिलीजियंस है, जो भी यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, जो भी स्टेट यदि रिलीजन मैटर पे इंटरफेयर कर रही है, तो वो भी कोई आइडल ग्राउंड पे होता है। जैसे यदि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए, कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर वो स्टेट क्या है, इंटरफेयर करती है। क्लियर? कहाँ, इंडिया में। लेकिन यूएस में ये बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली मना है, वहाँ कोई किसी के उसमें फॉलो नहीं करता। देयर इज़ नो वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म
differ from the dominant understanding of secularism as practiced in United States, America. This is because unlike the strict separation between religion and the state in the American secularism, in India the state can intervene in the religious affairs. यहाँ पर वहाँ पर strict है बहुत, बिल्कुल नहीं interfere कर सकते, हमारे यहाँ intervenes कर सकते हैं. यदि कोई किस ग्राउंड पे, यदि लॉ एंड ऑर्डर को, यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कर रहा है, कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस बेसिस पे जो स्टेट जो है वो इंटरफेयर कर सकती है. ठीक है. एट द सेम टाइम द स्ट्रेटजी ऑफ द नॉन इंटरफेरेंस इज ऑल्सो फॉलोड. उसी समय क्या है, एक नॉन मतलब नॉन इंटरफेरेंस की भी पॉलिसी इंडिया में फॉलो होती है. कैसे कि हम अब बच्चा हमारे मान स्कूल भी आता है, यदि वो टीका लगा के आता है, वो कहता है कि कोई सिख लोग हैं तो वो पगड़ी पहन के ही बच्चा स्कूल में आएगा, मुस्लिम्स हैं वो स्कार्फ लगा के, अपना सब कुछ लगा के स्कूल, इस्लामिक जो है तो हेड स्कार्फ पहन के ही आते हैं, तो इसके लिए इंडिया में मना नहीं किया है. वहीं आप एक जगह देखिए कि ये फ्रांस में, इवेंट इन फ्रांस में बता रहा है, इन फरवरी 2004 फ्रांस में एक पास अ लॉ बैनिंग स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स को बैन किया गया किस चीज़ से, वेयरिंग एनी कॉन्स्पिशियस रिलीजन्स और पॉलिटिकल साइन और सिंबल्स सच एज द इस्लामिक हेडस्कार्फ, द ज्यूइश स्कल कैप और द लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस, या जो बड़ा बड़ा क्रॉस क्रिश्चियंस जो पहनते हैं, ज्यूइश लोग का स्कल कैप, ये सारी चीज़ें जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस में है, रिलीजियस सिंबल है, उस तरीके का कोई भी चीज़ पहनने के लिए क्या किया, स्टूडेंट्स को बैन कर दिया गया, नहीं पहनने के लिए बोला है ना. तो देखो ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गए वहाँ, लेकिन यही चीज़ इंडिया में एज कम्पेयर इंडिया में क्या है कि यहाँ पर परमिशन है कि आप पहन सकते हैं ना. कोई सिख कम्युनिटी का आ रहा है तो उसको थोड़ी ना कहेंगे कि आपको टर्बन नहीं लगाना है, नहीं, उनका रिलीजियस प्रैक्टिस है, वो यहाँ कर सकते हैं. ठीक है. तो ये था, अब इस इवेंट को अच्छे से पढ़िएगा और डीपली, और कुछ ये ग्रॉसरी थे तो मेन पॉइंट से इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने चैप्टर्स के हैं आपके, और ये इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. बुक को, एक एक बुक को अच्छे से रीड आउट कीजिएगा एक एक लाइन को. ओके.